हुकूमत इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी तो हमारे बहुत से नौजवान ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मर मिटने के, उससे ज्यादा कुरान के ऊपर मर मिटने के। अगर सरकार अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे बहुत जाने नौजवान ऐसे है कि मर मिटने को भी तैयार है, हम जब उसके बारे में सोचेंगे। वसीम रजवी जो है ये जो हरामी है ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहता है और मैं समझता हूँ ये तो मुसलमान है नहीं, ये तो शिया से ताल्लुक रखने वाला, मजहब में रखने वाला एक इंसान है। अल्लाह का कहर उसके ऊपर स्टार्ट हो गया है, अभी खुद के घर वाले भी उसको छोड़ चुके हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि कब्रिस्तान में उसको जगह भी नहीं मिल रही है। इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम दुश्मनी में सारी हदूद को पामाल कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते वसीम रिजवी ने कुरान पाक की 26 आयतों को हज़फ करने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी, जिसके बाद सारे आलम इस्लाम में मुसलमानों के जज्बात को गहरी ठेस पहुंची है। उलमाए कराम ने ना सिर्फ इसे मलऊन कहा है बल्कि इसके इस कबी अमल को इर्तदाद और वाज़ह कुफ्र भी कहा है। मुल्क भर में वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है, वहीं इस मलऊन के घर वालों ने भी इसे धुतकार दिया है। कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है, इसकी एक आयत तो क्या इसके एक नुक्ते में भी कोई तहरीफ नहीं कर सकता। बहरहाल वसीम रिजवी ने अपनी इस मज़मूम हरकत के बाद मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। शहर हुबली का मरकज़ी और अहम इदारा अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ एक याददाश्त पेश की गई, इसके खिलाफ नारे लगाए गए और इसे सख्त सज़ा देने का मुतालबा भी किया गया। इस मौके पर अंजुमन इस्लाम के अहदेदारों समेत कई उलमाए कराम ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया और तहफ़ नामों से रिसालत और तहफ़ कुरान के नारे लगाए गए। अंजुमन इस्लाम हुबली ने शहर के तमाम मुसलमानों की जानिब से वसीम रिजवी पर लानत भेजी है और इसे केफर किरदार तक पहुँचाने हुकूमत से अपील की है कि वह हर मुमकिन इकदाम करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वसीम रिजवी जो 26 आयत करीमा के खिलाफ PIL फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ एहतजाज के लिए शहरी के मुसलमान अराकीन जमात उलमाए कराम अंजुमन के पूरे ऑफिस बरस और यहाँ के पूरे तंजीम वगैरह आकर यहाँ पर जमे हैं। ये हर वक्त रिजवी जो है हर वक्त गाड़ी करता रहता है, आदत पड़ गई गाड़ी करने की। मैं हम लोग पूरे भारत देश के मुसलमान या पूरे वर्ल्ड के मुसलमान ये हमें कंडम करते हैं, क्योंकि आयत करीमा को ये एक अल्फाज ही नहीं बल्कि जेर जबर भी निकालने का वो किसी का अधिकार नहीं, अल्लाह ताला उसकी खुद हिफाजत फरमाता है। हम कहते हैं कि जो इंसान मुसलमान कहता है, जो मुसलमान कहता है मगर वो मुसलमान नहीं होता, क्योंकि जब आयत करीमा पे उंगली उठाए तो वो इस्लाम से खारिज होता है। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उसको ऐसा रसुआ करे कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान ऐसा कदम ना उठाए। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उसे सजाए मौत दे, करे मनवी के अंदर सजाए मौत का भी मुतालबा किया, सख्त से सख्त सजा दी जाए। और सख्त सजा होती है फांसी सजा होती है, हमारे इसमें फांसी सजा होती है। लेट ना करें, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रेमचंद इंडिया से बहुत दुबाना गुजारिश करते हैं अंजुमन इस्लाम अवली कि उनको फांसी सजा दी जाए। पॉलिटिकल पार्टी को बाजीरो की बात करता हूँ, कुरान मजीद में से जेर और जबर हटाना मुमकिन भी नहीं, दुनिया हिल जाएगी उससे। तो हुकूमत इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी तो हमारे बहुत से नौजवान ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मर मिटने के, उससे ज्यादा कुरान के ऊपर मर मिटने के। अगर सरकार अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे बहुत जाने नौजवान ऐसे है कि मर मिटने को भी तैयार है, हम जब उसके बारे में सोचेंगे। मेरा ओपन बोलना है, ये जो आज तहसीलदार को हम लोग पूरे अंजुमन इस्लाम और जितने भी जिम्मेदार हैं ना को तहसीलदार को जो मेमोरेंडम दी, मेरे ख्याल से मेमोरेंडम से कुछ काम नहीं होने वाला नहीं। हर स्टेशन के अंदर पूरे मुतवल्ली इकराम से बोल को पूरा FIR फाइनल लगाना है इनके नाम से।
और हुबली से स्टार्ट होना पूरा ऑल इंडिया में। अगर हुबली वाले हमें जाग गए तो इंशाल्लाह पूरे तालुके और डिस्ट्रिक्ट के सब भी FIR पढ़ना पढ़ कर इसे सख्त से सख्त पूरा जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है पूरा लेके इंशाल्लाह ये करना। और मेरी अंजुमन से गुजारिश है कि FIR पढ़ने का काम अंजुमन के सदर अंजुमन इस्लाम की तरफ से शुरू हो। तो क्या है अंजुमन वाले FIR दायर करने की कुछ तैयारी किया है? मैं हिंदी बेटा भी बोलना मुश्किल है, सभी राले के करूँ। अंजुमन इस्लाम की जानिब से हुबली शहर के तमाम उज़माए कराम मुत्तज़ी हजरात के मौजूदगी में जो है हमारे सदर के सरपरस्ती के अंदर जो है आज मनवी दिए हैं। वसीम रजवी जो है ये जो हरामी है ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहता है और मैं समझता हूँ ये तो मुसलमान है नहीं, ये तो शिया से ताल्लुक रखने वाला मजहब में रखने वाला एक इंसान है। ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम के खिलाफ बोलता है। हम लोग मनी के अंदर हमारे डिमांड है इसे सिर्फ अरेस्ट करना नहीं, इसे अरेस्ट के साथ साथ जो है इमीडिएटली इसे बड़ी से बड़ी सजा होना, क्योंकि ये जो है पूरे मुल्क के अंदर पूरे दुनिया में जो मुसलमान है पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो है ये दिल दुखाने का काम नहीं किया, ये बहुत बड़ा जुर्म किया है। इसकी सजा उसके अपने आप एक किस तरह से मिलती पता नहीं, जरूर हमें यकीन है इसे सजा इतनी बड़ी मिलेगी उसे पता भी नहीं चलेगा। फिर भी ये कानून है, हमें कानून के हिसाब से हमें जाना है, उसके हिसाब से हमें मेमोरेंडम दिए जल्द से जल्द जो है सजा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम रजवी जो निहायत ही हिंदुस्तान के लिए खतरनाक इंसान है, वसीम रजवी जैसे लोगों ने हिंदुस्तान की अमन और शांति को खराब करते हुए कई मरतबा और हम और आप कई मरतबा देखे हुए हैं। वसीम रजवी इतना कमीना इंसान है कि हिंदुस्तान की अवाम के हिंदुस्तान के मुसलमान या पूरे दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखाया हुआ इंसान वसीम रजवी है। ये क्या कार्रवाई होनी चाहिए वसीम रजवी के खिलाफ? वसीम रजवी के खिलाफ कार्रवाई तो बोलने वाले बहुत कुछ बोल रहे हैं, अल्लाह का कहर उसके ऊपर स्टार्ट हो गया है, अभी खुद के घर वाले भी उसको छोड़ चुके हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि खरबस्तान में उसको जगह भी नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों में अल्लाह करे उसे तबाह बर्बाद कर देगा।